Hello guys, this is Kushagra. Welcome to Kushagra Center for Excellence. So guys, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 5th, चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। सो देखिए, 4 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, क्लाइमेट के बारे में। सो क्लाइमेट, इस चैप्टर का क्लाइमेट से भी रिलेशन है, क्लाइमेट भी एक टॉपिक दे रखा है इस चैप्टर में। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, आपको पता होगा कि नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन क्या होता है, या वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको भी कुछ बातें पता होंगी। सो अब देखिए कि पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में देखिए कितना वेजिटेशन है। मैं आपको बता देता हूँ कि कितने प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में कितने प्लांट्स हैं, 47,000 प्लांट्स स्पीसीज हैं प्लांट्स की। कितने, 47,000 स्पीसीज है प्लांट की, ठीक है। अब ये जो है ना, हमारा इंडिया जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में से है। मतलब कि ये जो 12 जो पूरे वर्ल्ड में कंट्री है, 12 कंट्री है मेगा बायोडाइवर्सिटी की, तो उसमें से हमारा एक इंडिया है, ठीक है। अब कितने स्पीसीज बताए थे मैंने प्लांट के, 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हमारा इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन पर है। 10th पोजीशन पर है किस पर, वेजिटेशन में, प्लांट्स में, क्योंकि इसके क्या है, 47,000 स्पीसीज है। सो वर्ल्ड में कितनी पोजीशन पर है, कौन से पोजीशन पर है ये वर्ल्ड में, 10th पोजीशन पर। और हमारे एशिया में 4th पोजीशन पर, कौन से, 4th पोजीशन पर, ठीक है। किलो गए हैं। अब हम जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कितने हैं इंडिया में, 15,000। कितने हैं, 15,000। और एनिमल कितने हैं, एनिमल है 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल, 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल है। कितने, 90,000, ठीक है। सो इतने सारे एनिमल्स हैं हमारे इंडिया में, इतने प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सब हैं। सो अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, या वेजिटेशन क्या होता है, पहले जानते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन तो क्या हुआ कि हमने जैसे हमने क्या करा, एक प्लांट उगा दिया अपने घर में। सो ऐसे प्लांट्स उगा दिया अपने घर में, तो ये हो गया वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है कि जो ह्यूमन ने नहीं, नेचुरली जैसे फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होता है वो क्या आपने ग्रो करे हैं या मैंने ग्रो करे हैं, नहीं, वो किसने ग्रो करे हैं, वो नेचुरली ग्रो हुए हैं। सो इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है फ्लोरा एंड फना। क्या, फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा एंड फना क्या होता है, फ्लोरा एंड फना, चलिए देखते हैं। पहले क्या है यहाँ पे, फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है और फना, फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा देखिए क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, एक प्लांट्स को डिनोट करता है, क्या प्लांट्स, फ्लोरा का क्या करता है, फ्लोरा डिनोट, डिनोट क्या करता है, फ्लोरा डिनोट प्लांट्स, ये लिख देते हैं, फ्लोरा डिनोट्स, डिनोट्स प्लांट, क्या प्लांट्स, ये प्लांट्स को डिनोट करता है, ठीक है। और फना, फना किसको डिनोट कर रहा है, फना डिनोट करता है किसको, हमारे एनिमल्स को, किसको, एनिमल्स को ये डिनोट करता है फना, ठीक है, एनिमल्स को डिनोट करता है फना। अब फ्लोरा क्या है, फ्लोरा डिनोट प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को बताता है, और फना जो होता है वो एनिमल्स को बताता है। अब यहाँ देखिए कि अब दो चीजें आती है इसमें, रिलीफ, रिलीफ में क्या क्या फ्लोरा एंड फना होते हैं, और क्लाइमेट में क्या क्या फ्लोरा एंड फना होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं रिलीफ, क्या रिलीफ, अब रिलीफ, अब यहाँ देखिए रिलीफ, रिलीफ, अब देखते हैं रिलीफ, रिलीफ में कितनी चीजें, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिलीफ, रिलीफ और यहाँ है क्लाइमेट, क्या क्लाइमेट, बताया था ना एक टॉपिक मैंने शुरू में, एक टॉपिक आएगा हमारा क्लाइमेट, ठीक है, ये है। अब रिलीफ में क्या क्या चीज आती है, रिलीफ में दो चीज आती है, एक आता है लैंड, एक आता है सॉइल, एक आता है सॉइल, और इसमें क्या आती है, इसमें तीन चीज आती है, ठीक है। फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट दे रखा है
क्लाइमेट में फर्क दे सकता है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर, और फिर सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है यहाँ पे, सेकंड हमें दे रखा है देखिए टेम्परेचर के बाद क्या, सेकंड हमें दे रखा है सनलाइट कह सकते हैं, या तो फिर फोटो पीरियड, क्या फोटो पीरियड। अब जो थर्ड पार्ट दे रखा है हमें, थर्ड जो दे रखा है, थर्ड दे रखा है हमें प्रेसिपिटेशन, क्या प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन दे रखा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है प्रेसिपिटेशन, तो ये दे रखा है। अब रिलीफ में पहले बात करते हैं हम, किसकी रिलीफ में हम बात करते हैं, लैंड की। पहले क्या लैंड, लैंड में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं लैंड। अब लैंड पे अगर आप देखिए, जैसे अब लैंड में आप देखेंगे कि अब लैंड पर जैसे माउंटेन आता है, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, ये क्या है लैंड है पूरा। अब आप ये करिए, आप सोचिए कि क्या माउंटेन पर सेम होंगे, माउंटेन प्लेट्यू प्लेस पर सेम प्लांट्स, सेम एनिमल्स, यानी सेम फ्लोरा और सेम फना होगा, क्या होगा, नहीं, क्योंकि माउंटेन पर कैसे प्लांट्स, माउंटेन पर प्लांट्स अलग होते हैं, प्लेट्यूज पर प्लांट्स अलग होते हैं, और प्लेन्स पर भी प्लांट अलग होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया लैंड में, इतनी बात ठीक है। बात है सॉइल, क्या सॉइल, सॉइल में क्या होता है, सॉइल में अब जैसे सॉइल में जो प्लांट ग्रो होते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो हम कैक्टस, थॉर्नी बुशीज, ये सब कहाँ, ये सब कहाँ ग्रो होते हैं, हमारे राजस्थान में ग्रो होते हैं, राजस्थान के डेजर्ट में, वो क्या होती है, वो पूरा सॉइल ही होती है, ठीक है। अब ऐसे एनिमल अलग अलग तरीके के एनिमल होंगे वहां पे, सेम थोड़ी होंगे। जैसे अब बात करते हैं कि कैमल, कैमल की, कैमल में भी कुछ खासियत होगी, कैमल में सॉइल डेजर्ट का आता है, अब डेजर्ट में ही तो रहते हैं कैमल भी, है ना, कैमल अलग टाइप के। अब जैसे जैक रैबिट, वो भी अलग टाइप का है, कैमल और वो जैक रैबिट एक सेम थोड़ी है, अलग अलग है। सो इतनी बात तो आ गई हमारी रिलीफ में। अब आता है क्लाइमेट, क्लाइमेट के हम क्या दे रखा है, क्लाइमेट में हमें दे रखा है टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन। अब टेम्परेचर में क्या दे रखा है हमें, टेम्परेचर में देखते हैं, टेम्परेचर में आप देखिए कि आप जाएंगे माउंटेन पर, माउंटेन है जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारा एक माउंटेन, माउंटेन पर आप जाएंगे, जब ऊपर जाते रहेंगे आप, सो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, हाई था, आप ऊपर चले गए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर हाई, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, हॉट, और यहाँ पे कोल्ड, ये मैंने आपको बताया था ना पहले क्लाइमेट चैप्टर में, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये तो टेम्परेचर, अब जैसे यहाँ पे जब ऊपर ऐसे जाते रहेंगे तो अलग अलग तरीके के हमें एनिमल्स मिलेंगे, अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये होगा, सो ये तो अब टेम्परेचर आ गया। अब जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा कम होता चला जाएगा, ठीक है। बात है फोटो पीरियड, फोटो पीरियड यानी अब देखिए प्लांट्स है, इसका मतलब क्या होता है, फोटो पीरियड का सनलाइट भी, तो सनलाइट जैसे प्लांट्स ये एक पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, तो उसमें सन की लाइट मिल रही है, सन की लाइट मिल रही है, तो क्या यहाँ सन की लाइट ज्यादा पड़ती है, वहां क्या अच्छा अच्छा वेजिटेशन, अच्छे प्लांट्स ग्रो होते हैं यहाँ सब, ठीक है। और क्या होता है कि जहाँ कम लाइट पड़ रही होती है वहां क्या होते हैं, प्लांट कम ग्रो होते हैं, ठीक है, प्लांट ग्रो कम होते हैं, ठीक है, राइट। इतने ये हो गया फोटो पीरियड यानी सनलाइट। अब आता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन बारिश, रेनफॉल से, रेनफॉल, अब देखिए रेनफॉल जब हो रही होगी, ये बन गया बादल, यहाँ से रेनफॉल हो रही है, अब ये प्लांट है कुछ, यहाँ पे ट्रीज है, यहाँ कुछ छोटे छोटे भी प्लांट्स हैं, ये जैसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है। अब बारिश हो रही है तो ये क्या होगा, बारिश का इन्हें पानी मिलेगा और अच्छी क्या होगा, अच्छा वेजिटेशन होगा यहाँ प्लांट का, ठीक है। ये हो गया, तो इतनी बात ही हमने कर ली रिलीफ और क्लाइमेट में। यहाँ पे फ्लोरा एंड फना सब क्या अलग अलग होते हैं, ठीक है, फ्लोरा फना इतनी सब बातें हमने कर ली। अब ये हो गया, ये रिलीफ में हमने लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट में हमने इस सब के बारे में पढ़ा, अब इतना तो ये हमें समझ में आता है। अब आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में अब जैसे इकोसिस्टम मान लिया कि हमने, अभी आपको बताते हैं यहाँ पे आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या है, एक तरफ है प्लांट, यहाँ पे क्या है प्लांट्स, यहाँ क्या है एनिमल,
एनिमल्स। अब देखिए हम भी क्या है, एनिमल्स ही तो है, हम भी क्या है, एनिमल्स ही हैं। हम क्या है, सोशल एनिमल्स हैं। हम पहले तो इंसान थे पर अब एनिमल्स होने लगे हैं। अब जो इनका जो इंटरेक्शन है, एनिमल और प्लांट का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन जो है एनिमल और प्लांट का जो इंटरेक्शन है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। अब डेफिनेशन लिख देते हैं, द इंटरेक्शन इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड इकोसिस्टम। क्या? इको सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। अब जो इंटरेक्शन है प्लांट एंड एनिमल का जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। यानी कि इंटरेक्ट करते हैं ये प्लांट और एनिमल, क्या इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं खुद को, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम तो ये आपको समझ में आ गया, प्लांट एंड एनिमल इंटरसेक्शन विद ईच अदर आर इकोसिस्टम। अब इसमें अब इंटरेक्शन करते हैं किस चीज से, उनके फिजिकल फैक्टर से, फिजिकल फैक्टर ऑफ कैनि और कैनिमल केमिकल फैक्टर, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं इनके, उनसे क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम समझ में आता है। अब आता है टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन के टाइप कितने टाइप होते हैं, फाइव टाइप होते हैं। अब फर्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब। फिर है फिफ्थ हमारा द माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखिए नाम से देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवर ग्रीन यानी कि ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल वाले रीजन में जो होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में बता चुका हूँ ना, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। अब एवरग्रीन, एवरग्रीन क्या, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वो होते हैं ये फॉरेस्ट होते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ, अब डेफिनेशन लिख देते हैं हम, द फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन एंड द हैवी रेनफॉल आर कॉल्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या है यहाँ, यानी कि जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है और वो कौन से रीजन में होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम से पता लग गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इन्हें अलग कर दिया, पहले कर दिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल में पता लगा लिया, फिर एवरग्रीन में पता लगा लिया। ठीक है, राइट, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन के ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये क्या होता है। अब ये क्या, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले मैप में देखिए, ये पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गोवा और यहाँ से देखिए, यहाँ से गोवा से यहाँ से ऐसे आते हैं ये, ऐसे करके यहाँ से ऐसे इतने पार्ट में होते हैं, यानी कि कौन कौन से उसमें स्टेट में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल और क्या और होते हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक में भी होते हैं, फिर होते हैं ये छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट में होते हैं। पर यहाँ पे कैसा बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आते हैं ये, देखिए यहाँ देखिए ऐसे करके आते हैं, फिर ऐसे करके ये इतने पार्ट में होते हैं, इंडिया के इतने पार्ट में होते हैं, यानी कि ऐसे करके आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ फिर जगह छोड़ी, यहाँ ऐसे करके फिर ये जगह छोड़ी, फिर ऐसे इतने पार्ट में डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। अब ये होते क्या है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब फिर हमने अलग कर लेते हैं ट्रॉपिकल, क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब वो ट्रॉपिकल वाले रीजन में होते हैं इतने समझ में, डेसिडियस
यानी कि डेसिडियस, यानी कि डेस्टम डेंस होता है, यानी कि ये ज्यादा घने जंगल नहीं होते हैं। ये कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये बहुत घने जंगल होते हैं, पर ये घने जंगल नहीं होते हैं। इनमें क्या होती है, बारिश कितनी होती है, बारिश भी कम होती है, बहुत कम होती है ना। यहाँ पे बारिश भी ज्यादा नहीं होती है, जैसे कितनी होती है 100 सेंटीमीटर to 70 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया डेसिडियस फॉरेस्ट में। अब आता है थर्ड जो आता है हमारा, द थॉर्नी, द थॉर्नी फॉरेस्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्नी थॉर्न फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड स्कल्प्स, सी स्कल्प्स। ठीक है, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कल्प्स एंड स्कल्प्स, ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कल्प्स, इसका मतलब क्या है, थॉर्न यानी कि थॉर्नी बुशेस, जहाँ पे थॉर्न थॉर्नी बुशेस जो होती है, यानी कि कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं, और यहाँ बारिश भी बिल्कुल बहुत कम होती है, कितनी 60 सेंटीमीटर बस, इतनी बारिश होती है 60 सेंटीमीटर तक बस यहाँ बारिश होती है। और ये कौन सा एरिया, डेजर्ट एरिया वाला, डेजर्ट वाला जो एरिया होता है, ठीक है, डेजर्ट वाला जो एरिया होता है वो होते हैं वहां पर थॉर्नी बुशेस। अब थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पे थॉर्नी बुशेस होती है, यानी कि जैसे कैक्टस, जैसे कैक्टस वाला और भी जैसे प्लांट्स होते हैं, और स्कर्प्स, स्कर्प्स यानी नुकेले वाले, थॉर्न यानी कि नुकेले जिसमें कांटे होते हैं, वो वाले प्लांट्स स्कर्प्स में भी, वो भी कहा गया है। सो ये क्या हो गया, ये फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, ये डेजर्ट, और ये ज्यादा घने नहीं होते। जैसे आपको पता है कि डेजर्ट कहाँ तक, क्या घना होता है डेजर्ट, एक घना जंगल है, नहीं। सो ये हो गया। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ द माउंटेन, द माउंटेन, द माउंटेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट में क्या दे रखा है, माउंटेन फॉरेस्ट में यहाँ स्पेलिंग गलत होगी, फॉरेस्ट, द माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि जो माउंटेन, माउंटेन पर जो फॉरेस्ट होते हैं, बिल्कुल सही, माउंटेन पर जो होते हैं, यानी कि ये माउंटेन है, माउंटेन में यहाँ पे आप देखते हैं ना पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे पेड़ लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ही पेड़ लगे हुए होते हैं माउंटेन पर, ये माउंटेन पर पेड़ जो लगे हुए होते हैं ऐसे, कोई कोई बहुत बहुत बड़े होते हैं कोई, पर अब बड़े तो होते हैं, बड़े भी होते हैं, यहाँ पे प्लांट क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं, ठीक है, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, पर बड़े प्लांट भी होते हैं छोटे भी होते हैं, लेकिन यहाँ के जो होते हैं कॉनिकल टाइप प्लांट्स होते हैं, जैसे कॉनिकल ऐसे ये कौन कौन जैसे कौन टाइप के प्लांट्स देखते हैं अब, तो यहाँ पे कॉनिकल टाइप फॉरेस्ट ये होता है, तब माउंटेन फॉरेस्ट, समझ में आ गया, माउंटेन जो माउंटेन पर जो होते हैं, और यहाँ के प्लांट्स आपको याद रखने हैं कॉनिकल टाइप होते हैं, कैसे कॉनिकल ऐसे ऐसे होते हैं बिल्कुल कॉनिकल टाइप, ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको। अब इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, फिफ्थ क्या दे रखा है, फिफ्थ में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं क्या था, द मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्या लिख देता हूँ, द मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट में हम समझा, यहाँ मैंग्रो होते हैं, यानी कि मैंग्रोव दे रखा है ना, मैंग्रो नहीं होता यहाँ पे। सो द मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी जो कोस्टल रीजन में जो होते हैं, इतने रीजन में जो होते हैं, यहाँ पे जो इतने रीजन में जो होते हैं, ये कोस्टल रीजन होता है, कोस्टल रीजन में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं द मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ वाले रीजन में जो होते हैं यहाँ पे। अब ये कैसे होते हैं, ये प्लांट बिल्कुल इसी यहीं होते हैं, इसी जगह पर होते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है, इनकी जो रूट्स होती है वो क्या रहती है, वाटर में रहती है, आधी आधी रूट क्या रहती है, वाटर में रहती है, आधी रूट किस में रहती है, लैंड पर रहती है। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे ऐसे ट्रीज होते हैं तो उन्हें कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्लियर हो गया, वो अब मैंने बता ही चुका हूँ वो कौन से कोस्टल रीजन में होता है, कोस्टल रीजन में होता है, ठीक है। अब ये तो इतने टाइप्स हमने पढ़ ली इसके नेचुरल वेजिटेशन के, अब ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेडिसिन प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिन में यानी कि जो हमें मेडिसिन देते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन से हमें प्लांट मेडिसिन देते हैं, चलिए देखते हैं। आपने यहाँ देखिए फर्स्ट दे रखा है
स्पर्गंधा, कौन सा स्पर्गंधा, स्पर्गंधा ये क्या है, क्या करता है ये हमें स्पर्गंधा प्लांट जो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है उससे ब्लड प्रेशर के यूज में आता है ये स्पर्गंधा। इसके बाद दे रखा है हमें जामुन, जामुन का क्या, जामुन का एक जूस होता है, जामुन के जूस से जामुन का जूस निकलता है उसे हमें पीना पड़ता है फिर जामुन। और इसके जो सीड्स होते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं यानी कि इसके बीज होते हैं उनके सीड से, जामुन के सीड से क्या बनता है एक पाउडर बनता है, क्या एक पाउडर बनता है। अब उससे क्या होता है, पाउडर से उससे कंट्रोल होता है हमारा, क्या उससे हमारा कंट्रोल होता है डायबिटीज, डायबिटीज हमारे कंट्रोल होते हैं, कंट्रोलिंग डायबिटीज है ना, इससे पाउडर ऑफ सीड, सीड के पाउडर से, जामुन के सीड के पाउडर से। अब आता है अर्जुन, अर्जुन अर्जुन क्या है, अर्जुन में क्या देखा है द फ्रेश जूस ऑफ लीव, फ्रेश जूस, इसकी जो फ्रेश जूस होता है इसकी लीफ का क्या होता है फ्रेश जूस होता है जो किसके लिए काम करता है, ईयर एक, क्या ईयर एक यानी कि ईयर के लिए, हमारे ईयर जो होते हैं कानों के लिए वो इसका जूस, फ्रेश जूस हमें काम हेल्प में आता है। अब इट इज आल्सो रेगुलेट अवर ब्लड प्रेशर, ये हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, कौन ये अर्जुन जो होता है ये हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। अर्जुन के बाद आता है हमारा बाबुल, बाबुल क्या होता है, अब लीव्स आर यूज्ड एज ए क्योर ऑफ आइस सोर्स, आइस के लिए हमें यूज होता है, आइस जो होती है हमारी आइस के लिए यूजफुल में आता है। अब इसका एक गम बनता है एज ए टॉनिक, उसे हम टॉनिक कहते हैं, गम बनता है इसका, ठीक है। इसके बाद बाबुल के बाद आता है हमारा नीम, नीम क्या होते हैं, नीम ये क्या होता है, ये हाई हैज हाई, ये हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है एक, ये हाई हाई एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और हमारी ये हमारा नीम। अब आता है तुलसी प्लांट, तुलसी प्लांट क्या होता है, तुलसी प्लांट किसके लिए होता है, हमारे कफ और कोल्ड के लिए, कफ जो हो जाता है हमारा और कोल्ड जो होता है उसके लिए। अब आता है लास्ट हमारा खांकर, खचकर, खचनर, खचनर क्या होता है, ये भी एक प्लांट्स का नाम है, ये भी प्लांट का नाम है, क्या है, इट इज यूज्ड, ये किसके लिए यूज्ड होता है, ये हमारा अस्थमा और अल्सर के लिए, अस्थमा और अल्सर के लिए हमारा यूज होता है। अब ये जो हमने जितने भी हमने ये मेडिसिन प्लांट्स जो पढ़े हैं ये हमारे इंडिया में होते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ ये इंडिया में होते हैं, पर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितने प्लांट्स होते हैं, ये 2000, कितने 2000 प्लांट होते हैं मेडिसिन, ठीक है। पर ये जो हमने पढ़े हैं ये सिर्फ हमारे इंडिया में जो होते हैं उनके बारे में ये कहा गया है, ठीक है। अब ये हो गया मेडिसिन, सर अब आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ में जैसे मैंने क्यों आपको बताया था कि एनिमल कितना है हमारे इंडिया में, 90,000 एनिमल होते हैं हमारे इंडिया में, कितने 90,000 एनिमल होते हैं हमारे इंडिया में। अब बर्ड्स, बर्ड्स कितनी होती है, ये हमारी बर्ड्स, बर्ड्स कितनी होती है, 2000 बर्ड्स होती है। अब जो ये जो हमारे 90,000 एनिमल है और 2000 बर्ड है इन्हें मिला के कितने कितने परसेंट है हमारे, मतलब लैंड पर जो रहते हैं कितने परसेंट है हमारे एनिमल है, वह 13% एनिमल है जो हमारे इंडिया में जो लैंड पर रहते हैं इन्हें एनिमल और बर्ड मिला के। अब फिश की बात करते हैं, फिश कितनी होती है, 2546 तो हमारी फिश होती है, ठीक है। अब ये कितने परसेंट होती है फिश, ये कितने परसेंट होती है, ये होती है 12%। अब होता है 5-8% जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 5-8% के भी एनिमल होते हैं, क्या क्या, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब जो होते हैं। एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियंस यानी कि जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस पानी में रहता है और जो पानी के बाहर भी रहते हैं। रेप्टाइल, रेप्टाइल यानी कि जो रेंग के चलते हैं यानी कि स्नेक, स्नेक और लिजार्ड, ये सब जो होते हैं। अब मैमल्स, मैमल्स जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, है ना, राइट, क्लियर हो गया। अब ऐसे वाइल्ड लाइफ में तो अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, जैसे राजस्थान में लेंगे तो कैमल, जैक रैबिट, कंगारू रैट, ये सब जो होते हैं ये सब राजस्थान वाले एरिया में होते हैं। जम्मू कश्मीर वाले एरिया की बात करें हम तो वहाँ पे क्या, जैसे पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, ये सब जो होते हैं। अब ऐसे असम में देखें हम तो एलिफेंट से ज़्यादा रहता है असम में, तो ये सब कितनी बात किस में आती है, हमारी वाइल्ड लाइफ में आती है। अब एक टॉपिक और आता है लास्ट, अब एक बात हो जाती है हमारी
मतलब वो टॉपिक नहीं है, अलग से दे रखा है, ठीक है। अब क्या है वो, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। 14 बायो रिजर्वर्स, 14 बायो रिजर्वर में दे रखा है। बायो रिजर्वर जो होते हैं वो 14 बायो रिजर्वर, अब क्या क्या होता है, तो फर्स्ट है सुंदरबन, सुंदरबन, सेकंड है गुल्फ ऑफ मैनर, थर्ड है द नीलगिरीज, फोर्थ है नंदा देवी, नंदा देवी, फिर फिफ्थ है नोकर्क, सिक्स्थ है ग्रेट निकोबार, फिर है मनाज, फिर है सिमलीपल, फिर है दिहंग दिभांग। हमने पढ़ाया है ना दिहंग दिभांग, किसका ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अब दिबुरा शिओका क्या, दिब्रो शिओका, फिर अगस्थ्यमलाई, फिर कंचनजंगा और पंचमराई और कंचना अमर कर्नाटक। ये सब जो है ये कितने 14 बायो रिजर्वर्स है, क्या 14 बायो रिजर्वर्स है। सो अभी तो हमने ट्रिब्यूटरीज भी आ गए इसमें, दिहांग दिभांग और डेल्टा आ गया, सुंदरबन है ना, और अमर कर्नाटक डिस्ट्रिक आ गई, ठीक है। अब सो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।